ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी उनके थ्रू, उसके बाद ही मेरी जिंदगी पूरी टर्न की है. दैट वॉज लॉट ऑफ मेमरीज अटैच टू द शो एंड राइट नाउ आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट. काफी साल हो गए. अभी तक तो बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं. आई एम श्योर सब ने गाना देखा होगा, आप लोगों ने भी, और मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ये गाना. मेरा पर्सनल फेवरेट सॉन्ग हो गया है एंड बहुत 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 अच्छे रिव्यूज़ आ रहे हैं. सो प्लीज़ ऐसे ही हमारा गाना देखिए और ढेर सारा प्यार दीजिए. थैंक यू सो मच इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए राधा काली को, और आप लोग के प्यार की वजह से यू नो वी आर हियर राइट नाउ इन फ्रंट ऑफ यू. ये पार्टी या सेकंड पार्टी है क्योंकि सॉन्ग को बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और कंटिन्यूसली मिल ही रहा है. रील्स बनना चालू हो गई है और ट्रेंडिंग पे भी चल रहा है सॉन्ग अभी इंस्टाग्राम पर. तो थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, और ऐसे ही प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ये सॉन्ग शेयर करते रहिए. वी वॉन्ट कि मैक्सिमम लोगों तक पहुँचे, क्योंकि जो भी ये देख रहा है उसकी तरफ से बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, सबको पसंद आ रहा है सॉन्ग. राइट नहीं कहीं ऐसे कुछ रिलेट तो नहीं कर पाते, बिकॉज हमारी कहानी की वी जस्ट होपिंग कि हैप्पी एंडिंग ही हो, सैड एंडिंग ना हो. तो ऐसे कुछ रिलेट नहीं कर पा रहे हम इस कहानी से. हाँ मतलब अब ऐसा कुछ रिलेट तो नहीं कर पा रहे स्टोरी से, लेकिन ये स्टोरी हर किसी के लाइफ की है और कहानी कहीं ना कहीं अधूरी छूट जाती है, बट वो दी एंड नहीं होता है, वहाँ से नई शुरुआत होती है. तो ये जो है हो सकता है आपको राता काली पार्ट टू भी देखने मिले, जहाँ से वापस से एक लव स्टोरी शुरू हो. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. यू नो मोनिका का तो ये फर्स्ट सॉन्ग है एज अ प्रोड्यूसर एंड शूली रिकॉर्ड्स का ये फर्स्ट सॉन्ग है, तो मैं चाहता हूँ कि हर किसी तक ये सॉन्ग पहुँचे और शूली रिकॉर्ड्स को हर कोई सब्सक्राइब करे, बिकॉज जो मैं आगे सुन रहा हूँ मोनिका की तरफ से बहुत अच्छे सॉन्ग्स आने वाले हैं. और इस लेबल पर आपको जो सॉन्ग्स मिलेंगे वो और कोई लेबल पर नहीं मिलेंगे, इट्स वेरी यूनिक. और जो आपने इस सॉन्ग की क्वालिटी भी जो देखी होगी, ये ऐसे आप आजकल हर जगह ऐसे सॉन्ग्स नहीं देखते जिसमें आपको एक स्टोरी देखने मिलती है. तो इस सॉन्ग के ज़रिए एक स्टोरी दिखाई गई है फ्रॉम द बिगिनिंग टू द एंड. ऐसा नहीं है कि सिर्फ सॉन्ग शुरू हुआ और ख़त्म हो गया और रोमांटिक शॉट्स ले लिए. बहुत प्यार से बहुत अच्छे तरीके से प्रताप भाई और हरीश भाई ने एक स्टोरी दिखाई है. तो शूली रिकॉर्ड से आप एक्सपेक्टेशन थोड़े हाई रख सकते हो क्योंकि आगे भी सॉन्ग्स बहुत अच्छे आने वाले हैं. यह देखो धीरे 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 करके आगे बढ़ना, ऑफकोर्स कौन नहीं चाहता, तो ऑफकोर्स हम भी यही चाहते हैं आगे बढ़े और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे काम करने का हमें मौका मिले. तो यस इट्स अ यस. यू नो ये जो एंडिंग है वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं की थी, और जो एक्सपेक्ट नहीं करते वो होता है ना, तो लोगों को थोड़ा शॉक तो लगता है, बट पीपल आर लविंग इट, क्योंकि कहीं ना कहीं जो सैड एंडिंग होती है ना वो कहीं वो हार्ट टचिंग होती है. तो लोगों के दिल छू गई ये एंडिंग, एंड जो लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं किया वो हुआ. लोगों को लगा था कि एकदम हैप्पी एंडिंग होगी, बट ऐसा नहीं हुआ. हम राधा काली की अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में बात करते हैं. यार टेलीविजन है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है, तो शादी होने वाली है, अब देखते हैं क्या शादी में ड्रामा होगा. हाँ आई नो, अब मैंने ये न्यूज़ सुनी है, बट राइट नाउ हम लोग यू नो राता काली पे आए हैं. आई वुड लव टू टॉक अबाउट राता काली, बट टॉकिंग अबाउट द शो, आई हैव लॉट ऑफ मेमरीज अटैच टू द शो एंड राइट नाउ आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट. काफ़ी साल हो गए यार अब वो शो छोड़े हुए, अब तो मेरी मेमरीज कुंडली भाग्य के साथ जुड़ गई है, तो आई डोंट हैव एनीथिंग टू से अबाउट इट.
डेफिनेटली बहुत ज़्यादा यू नो एक इम्पॉर्टेंस एक पार्ट रखता है मेरी ज़िंदगी का. मेरा टर्निंग पॉइंट था अनुपमा, तो मैं उस अपॉर्चुनिटी के लिए हमेशा राजन सर को थैंकफुल रहूँगा. मैंने उनको कहा भी है कि ये अपॉर्चुनिटी, ये जो अपॉर्चुनिटी मुझे मिली थी उनके थ्रू, उसके बाद ही मेरी ज़िंदगी पूरी टर्न की है. दैट वॉज माई ब्रेक थ्रू, तो आई विल ऑलवेज बी थैंकफुल. अभी तो मैं डे वन का यहाँ का वाक्य शेयर करना चाहूँगा. इट वॉज एक्चुअली फन शूटिंग फॉर राता काली. हम लोगों ने एक दिन में शूट किया है और 12 घंटे के आसपास का ये शूट रहा है, तो इट वॉज रियली फन. और नाइट शूट था तो मैंने साहिली को बहुत ज़्यादा डराया भी रात में. या हमारा पहला एक्सपीरियंस था साथ में काम करने का, एंड आई एम श्योर ने बहुत 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 ज़्यादा मजा किया. हाँ, काफ़ी सारे ड्रीम रोल हर किसी का होता है. एज एन एक्टर आई वॉन्ट टू प्ले अ ग्रे शेड इन एनी ऑफ द फिल्म इन फ्यूचर, बिकॉज दैट्स माई काइंड ऑफ अ जॉनर. आई वुड वॉन्ट टू एक्सप्लोर. आप सब कंग्रेचुलेट करो. Yes, हाँ मतलब इट्स मैं आई एम फॉन ऑफ कार्स एंड आई स्टार्टेड कलेक्टिंग कार्स एक्चुअली. दिस इज माई सेकेंड बिग कार. आई एम वेरी हैप्पी टू हैव इट इन माई गैराज. थैंक यू. अगर ऐसी बात है तो फिर तो मुझे और बड़े प्रोजेक्ट्स मिलने चाहिए. अभी भी जो कह रहा हूँ दैट्स अ वेरी बिग प्रोजेक्ट. ये भी मेरी लाइफ में एज अ यू नो एज अ टर्निंग पॉइंट ही आया है. बट अगर मेरी आंखें कमाल कर रही तो प्लीज़ सब लोग फोकस करो मेरी आंखों पर और भी बड़े प्रोजेक्ट्स ऑफर करो. मेरे होम टाउन में रखते हैं हम लोग हमारे घर पर, बट मैं नागपुर से हूँ तो मेरे चाचा के घर पर होते हैं गणपति. बट यहाँ पर तो मेरी फैमिली, जो भी फ्रेंड्स फैमिली जिनके साथ मैं सालों से गणपति का त्यौहार मनाता आ रहा हूँ, उन्हीं के साथ मनाऊँगा. बस आप लोग प्लीज सॉन्ग देखिए राता काली. आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, तो आगे भी ऐसा ही प्यार देते रहिए. और मैं चाहता हूँ कि आप लोग के जो भी रिव्यूज़ है रिगार्डिंग दिस सॉन्ग, आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में नीचे मेंशन करें. हमें DM भी कर सकते हो आप. सो प्लीज़ कीप वॉचिंग राता काली. सॉरी बिग बॉस, अभी एज ऑफ नाउ तो मैं एक TV शो कर रहा हूँ जो कि काफ़ी अच्छा जा रहा है, ऑडियंस को पसंद आ रहा है. तो ये साल तो नहीं, लेट्स सी इन फ्यूचर. अगर हो तो ज़रूर जाएंगे. अब वो इंसान पे डिपेंड करता है. अगर वो इंसान दिल का अच्छा है तो बन जाएगा, अगर दिल का बुरा है तो लोगों के सामने वो नज़र आ ही जाएगा. गाने की, हाँ प्लीज. आ साइली इज़ अ वेरी नाइस सिंगर. शी इज़ अ वेरी गुड सिंगर. And she what? Should. Huh? Who said that? We know that. You should give it a try. No. Come on, come on. Let's sing together. You start. Okay. Oh, I'm not a good singer at all. Three, two, one, go. Rata kali kali hai tujh bin sanam, ke likha tere mein tu hi mera karam. Oh, I'm not a good singer at all. बट आप प्लीज़ ये गाना अगर सुनना है आपको तो प्लीज़ YouTube पे जाओ, शूली रिकॉर्ड्स के पेज को सब्सक्राइब करो, हमारा गाना सुनो, कमेंट करो, शेयर करो, बहुत लोगों को शेयर करो, ढेर सारा प्यार दो.